फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोमी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप केक की फाउंडेशन अवॉइड कर सकते हो। ये एक बिग प्रॉब्लम है कि फाउंडेशन अच्छे से स्किन पे बैठते नहीं एंड केक ही लगते हैं। सो इसकी सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग, केक की फाउंडेशन अवॉइड करने के लिए फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। सो इसके लिए फेस पे मैं निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। अब मैं 2 मिनट्स वेट कर रही हूँ ताकि मॉइस्चराइजर अच्छे से मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। सेकेंड है प्राइमर। सो आप कोई भी ब्रांड की प्राइमर यूज कर सकते हो। फेस पे प्राइमर यूज करने से आपकी जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी एंड फेस पे जो ओपन पोर्स होते हैं उसको भी हाइड करेगी। इससे आपकी जो ओपन पोर्स वो विजिबल नहीं होगी एंड आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से स्किन पे लग पाएगी। मैं एलोवेरा जेल को एज अ फेस प्राइमर यूज कर रही हूँ। आप अदर्स फेस प्राइमर को भी यूज कर सकते हो। अब मैं 2 to 3 मिनट्स वेट कर रही हूँ ताकि ये एलोवेरा जेल मेरी फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देन मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूंगी। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी एंड फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। ये अभी ड्राई है, इसको मैं फास्ट वेट कर लूंगी। सो इसके लिए यहाँ पे पानी है, इसको इसके अंदर पानी ये सोक कर लिया है पानी को। इसका साइज आप देख सकते हो।
इससे मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी, अच्छे से ब्लेंड होगी। तो अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। मेरी फेस की हाफ साइड में मैं डॉट डॉट करके फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन अप्लाई करने का, एंड दोनों तरीका यूज करके आप अच्छे से फाउंडेशन लगा पाओगे एंड फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगी। सो केकी फाउंडेशन अवॉइड करने के लिए मेन जो थिंग्स होते हैं वो है अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना। So you can see ये लाइट टू मीडियम कवरेज देते हैं ये फाउंडेशन। सो नेक्स्ट जो है आप, मैं थोड़ा सा फाउंडेशन यहाँ पे लेती हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स की मदद से मैं इस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो आप अब देख सकते हो मेरी फाउंडेशन अच्छे से मेरी फेस पे अप्लाई हो गई है। सो नेक्स्ट मैं इसके ऊपर यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन निविया की व्हाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। तो इसको मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई कर रही हूँ, ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर। डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करके कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने से ये फाउंडेशन के साथ अच्छे से सेटिंग हो जाते हैं। सो इसलिए मैं डैम स्पॉन्ज यूज करती हूँ। सो हो गई है। अब मैं थोड़ा सा लिपस्टिक एंड काजल लगा के इस लुक को कंप्लीट करूंगी। फर्स्ट मैं काजल लगा रही हूँ।
गाइस, मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए एंड आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मेरे अदर्स वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। एंड आप मुझे अदर्स सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।